हेलो किसान भाइयों, सभी को हमारा नमस्कार। आप देख रहे हैं घर में बैठे चैनल। पुरानी मशीन पड़ी होती है घर में, उसको हम कैसे रीयूज करें। जो हैंड हाथ से चलने वाली मशीन होती है उसको हमने बैटरी चार्ज बनाया है, और वे पुरानी बैटरी मोटरसाइकिल की निकली हुई होती है उसी का यूज करके आप बना सकते हैं, और बहुत ही कम खर्चे बन जाता है। सारे पार्ट्स हमने पुरानी मशीन के लिए हैं, ये हमने अलग से अलग अलग पार्ट लेके कम से कम खर्चे में आप बैटरी चार्ज बना सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन का दौर चल रहा है, बहुत सारी मशीनें बहुत महंगी हो गई हैं, तो आप घर में बना सकते हैं, जो बेहतर उपयोग करने के लिए बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा बैकअप देगी। अपने हिसाब से बैकअप उसका एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से बटन लगा हुआ है, ये हमने स्विच लगाया हुआ है, इसके नीचे बैटरी यहाँ पर रखी है नीचे, और ये स्विच है। इसको जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ से, तो देखिए मोटर ये हमारा चलने लगेगा, ये देखिए। और इसका फवारा देखिए कितना अच्छा है। ये हमारी मेंथा की फसल है, इसमें हम स्प्रे कर रहे हैं। इसको फवारा जो है यहाँ से आप जितना मर्जी उतना और महीन कर सकते, देखिए एकदम धुआं जैसा बन गया है, ये देखिए इस तरीके से। और दूर कर सकते हैं, इतना भी जितना चाहे उतना दूर कर सकते हैं इसको, और ये देखिए बहुत दूर तक जाने लगेगा। तो चलिए भाइयों, आज हम बनाते हैं अपनी पुरानी मशीन को एक पावर स्प्रेयर, जो अच्छा बैटरी चार्ज बनेगा और बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये देखिए, हमने मोटर लिया है, ये मोटर आप कहीं से भी ले सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी कहीं आसपास किसी के घर में पुरानी पड़ी हुई है तो उससे आप मोटर निकाल सकते हैं, नहीं तो आप लखनऊ में मिल जाता है, और ये 300-400 रुपये का मोटर मिल जाता है। और ये बैटरी जो है, ये मोटरसाइकिल की निकली हुई बैटरी है। हमारा खेत मान लीजिए 1 एकड़ है, तो 1 एकड़ के लिए कम से कम अगर 1 घंटा बैकअप दे देगी तब भी 6 से 7 टंकी आराम से निकाल देगा, और उतने भर में हमारा काम चल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, और एक छोटी सी गुजारिश है कि अभी आप अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, कम से कम खर्च में कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ये इसके लिए हम वीडियो बनाते रहते हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो घर के जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनके बारे में हो। तो ये देखिए, हमने इसको साफ़ कर लिया है। ये जो है ये आपको मिलेगा हार्डवेयर की दुकान पर, और ये 35 रुपये का मिल जाएगा सेट। 30 रुपये का जो सफ़ेद वाला हिस्सा है बोल्ट सहित, ये मिल गया था, और 5 रुपये की ये जो लाल कलर का है ये मिला था। तो इसको लगाने से ये होगा कि इसमें छेद तो होता नहीं, नीचे कोई भी ऑप्शन नहीं है नीचे पानी देने का, निकालने का। तो हम इसको नेट को जो ऊपर बोल्ट जैसा लगा हुआ है इसको हम काट लेंगे, और यहाँ पे इसके निचले हिस्से में हम छेद करेंगे। तो इस तरीके से इसको रख के यहाँ पर देखिए, नीचे जहाँ पर सिरा बराबर दिख रहा है वहाँ पर हम इसमें होल कर लेंगे। अगर आपके पास ये लाइट से चलने वाला गर्म करने वाला नहीं है तो आप कोई भी बड़ा कील लेके उससे गर्म करके और होल कर सकते हैं, और चाहें तो आप ऐसे ही चाकू या पेंचकस से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा करने में, और इससे आसानी से हो जाता है। तो हम चलिए इसमें हम होल कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसमें होल हो चुका है, और हमने उसके साइज़ का एकदम काट लिया है, होल कर लिया है। इसमें थोड़ा टाइट ही पड़ रहा है, तो इसको हम चूड़ी की तरह कस देंगे तो ये अच्छे से कस जाएगा। अब इसको यहाँ से देखिए काटना है, तो हम चलिए इसको काट लेते हैं, क्योंकि अगर इसको काटेंगे नहीं तो पानी जितना ये ऊँचाई इसकी रहेगी टंकी में उतना पानी रह जाएगा, तो पानी कम से कम रहे इसके लिए हमने इसको काट लिया है। और ये देखिए, इसको अलग कर लेते हैं, और इसको हम अंदर से इसमें लगा देंगे, जो हमने होल किया था उसमें लगाना है। तो ये देखिए, इस तरीके से इसको कस देंगे अंदर से, क्योंकि हमने जो होल किया था वो बिल्कुल इसके बराबर का किया है, तो आराम से जैसे चूड़ी में नट बोल्ट कसा जाता है उस तरीके से कस देंगे इसको, तो लीकेज की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। अब ऊपर से इसके जो रबड़ का वाशर था वो हम लगाएंगे, ताकि लीकेज एकदम भी ना हो। ये देखिए, इस तरीके से लगा के, और इस पर जो ये बोल्ट है इसको हम कस देंगे। इसको आप आसानी से कस सकते हैं, और ये बिल्कुल भी पानी के लीकेज नहीं होने देगा। तो इस तरीके से देखिए, हमने कस लिया है इसको। आप ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे तब भी लीकेज नहीं होने देगा, बिल्कुल जो रबड़ का इसमें वाशर लगा हुआ है ये लीकेज नहीं होने देगा। तो इस तरीके से ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब इसमें जो लाल वाली टोटी थी वो हम लगाएंगे, जो हार्ड की दुकान पर मिल जाती है और 5 रुपये की मिलती है। तो इसको इसमें कसना है। कसने से पहले इसमें लीकेज बिल्कुल भी ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जो बॉन्ड आता है उसकी आप थोड़ी सी मात्रा अच्छे से मिक्स कर लें, और उसको लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे जब वो सूख जाता है तो लीकेज बिल्कुल नहीं होने देगा। और उसमें लगाने के लिए देखिए, ये हमने पाइप लिया है, ये पाइप 1/2 इंची पाइप है जो आसानी से इसमें लग जाएगा, और इसको अच्छे से दबा के पुश करना है ताकि ये बिल्कुल भी निकले ना इसमें से। इसमें खांचे बने होते हैं तो पाइप फिसलता नहीं है। ये देखिए, अब ये लग चुका है आसानी से,
और ये बॉन्ड होता है, एमसील बॉन्ड आता है, तो इसका थोड़ी थोड़ी मात्रा लेके दो इसमें होते हैं, दोनों को अच्छे से थोड़ा थोड़ा लेके मिला लेना है। और मिलाने के बाद जब आप इसको मिला देंगे तो ये जहाँ भी लगा देंगे जब ये सूख जाएगा तो बिल्कुल भी वहाँ से लीकेज नहीं होने देगा, तो इसलिए हम इसको मिला रहे हैं। और जहाँ पर ये हमने लगाया हुआ है, लाल कलर की टोटी लगी हुई है, उसके बगल में चूड़ी होती बनी होती हैं, वहाँ पर हम इसको अच्छे से लगा देंगे ताकि लीकेज बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि हमें स्प्रेयर ऐसा बनाना है जो हमेशा हमेशा काम आए और बिल्कुल भी उसमें कोई भी चीज़ दिक्कत ना करे, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये देखिए इसमें लग चुका है, अब ये सूख जाएगा लगभग एक घंटे में, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं अपना। ये देखिए हम इसमें मोटर लगा रहे हैं, और मोटर को नीचे जगह नहीं है तो हम इसको ऊपर लगा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से आप इसको रस्सी से या फिर कोई दूसरी चीज़ से भी बांध सकते हैं, लेकिन हमने इसमें हमारे पास तार रखा था तो हमने ये तार यूज़ किया है बांधने के लिए, क्योंकि ये मोटर चाहे जैसे भी लटकता रहे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये गिरना नहीं चाहिए नीचे। ये देखिए अच्छे से इसमें बंध गया है। अब इसको हम थोड़ा सा टाइट कर देते हैं तार को, ये ढीला दिख रहा है, तो इसको तार को टेढ़ा कर देते हैं यहाँ से, तो ये और टाइट हो जाएगा। प्लास की मदद से आप आसानी से टाइट कर सकते हैं इसको। ये देखिए अब नहीं हिलेगा बिल्कुल भी। तो ये हमारा एक काम कंप्लीट हो गया। और ये देखिए जो पाइप है ये हमारी इसी पुरानी मशीन का है, इस पाइप को यहाँ पर लग जाएगा ये आसानी से, ये देखिए। लेकिन यहाँ पर एक तरफ जो मोटर होता है उसमें एक तरफ एरो का निशान बना होता है, उधर से पानी निकलता है, जिस तरफ से पानी निकलेगा बाहर को उस तरफ आपको एक क्लिप लगानी पड़ेगी, ताकि जो इसका पाइप है वो कभी निकले ना, क्योंकि इसका जब मोटर चलता है तो फोर्स बहुत ज़्यादा, दबाव बहुत ज़्यादा होता है, तो पाइप निकल सकता है। इसके लिए यहाँ भी हमको लगाना पड़ेगा, एक क्लिप लगाना पड़ेगा। ये क्लिप जो है आसानी से वहीं हार्डवेयर की दुकान पर मिल जाएगा, इस तरीके की क्लिप होती है, और ये दो दो ढाई रुपये की मिल जाती है, पाँच रुपये की दो मिल जाती हैं। ये देखिए ये हमने लगा दिया इसमें, और इसको टाइट कर देंगे ताकि ये कभी भी निकले ना यहाँ से, लीकेज भी नहीं होने देगा। तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पता लगा आप खेत में स्प्रे कर रहे हैं और रास्ते में अगर आधे खेत में आपका ये पाइप निकल गया तो फिर आप दिक्कत हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि पहले से ही हम इतना इंतज़ाम कर लें, अच्छे से इसको टाइट फिट कर लें कि बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना आए। तो ये देखिए ये लग चुका है दोस्तों, इस तरीके की। ये देखिए ये हमारे पास बैटरी है, इस तरीके की बैटरी आप कहीं से भी मोटरसाइकिल की दुकान से खरीद सकते हैं, जो उनके पास पुरानी पड़ी रहती हैं, और अगर आपके पास घर में मोटरसाइकिल है तो आप उसकी निकाल सकते हैं, जब भी आपको ज़रूरत लगे तो आप निकाल लीजिए, और आप काम नहीं है तो आप उसमें रख सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह की बैटरी है, ये हमने 150 रुपये खरीदी थी, और मोटरसाइकिल की एक निकली हुई है, हमारे पास दो बैटरी हो गई हैं टोटल, तो जब भी एक हमारी डाउन हो जाएगी तो हम दूसरी जोड़ लेंगे उसमें। ये बैटरी आसानी से इसमें आ जा रही है देखिए, तो इसको ऊपर नहीं फिट करेंगे क्योंकि ऊपर ये अच्छे से फिट नहीं हो पाएगी, तो यहीं हम नीचे इसको तार से लगा लेते हैं। तो इसको भी हम तार से ही बांधेंगे, यहाँ देखिए जो ये इधर लगा हुआ है इसमें हम अच्छे से बांध लेंगे यहाँ पे, और फिर दूसरी साइड में बांध देंगे, तो ये बैटरी हमारी नीचे नहीं गिरेगी। यहाँ पर अगर आप चाहें तो जो रबड़ आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे ये रहेगा कि बैटरी आप जब भी निकालना चाहेंगे तो उसको आसानी से निकाल सकेंगे, रबड़ खींच के बैटरी निकाल लीजिए और अपना काम कर लीजिएगा, इससे डबल फ़ायदे हो जाते हैं। आप घर का भी काम कर सकते हैं, जैसे लाइट आपके घर में अगर नहीं है तो आप उसका इस्तेमाल बल्ब जलाने में भी कर सकते हैं, जब आपको स्प्रे करना हो तो उसमें लगा दिया। तो चलिए हम इस देखो ये बटन है, ये बेड स्विच के नाम से आता है और 10 रुपये का मिल जाता है, ये बटन हम यूज कर रहे हैं इसमें। तो इसके दोनों तार इस तरीके से देखिए, कॉपर तार की वायरिंग करिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बैटरी उतना बैकअप अच्छा देगी, तो इसलिए हम कॉपर तार का यूज़ कर रहे हैं। और इसको आसानी से कस के, और ये देखिए इस तरीके से हम बिठा देंगे। जो ये दोनों तार हैं ये वायरिंग हमेशा एक तार में ही की जाएगी, अभी हम आपको पूरा समझा देंगे कैसे वायरिंग करनी है। तो अगर हम इस तरफ इसको स्विच को लगाएंगे और बैटरी हमारी उस तरफ रखी हुई है, उसके बैटरी का जो दोनों प्लस माइनस के पॉइंट हैं वो इस तरफ हैं, तो अगर हम उस तरफ लगाते तो वायर ज़्यादा लंबा हो जाता तो बैटरी बैकअप कम हो जाता, इसलिए हम इसको इस तरफ लगाएंगे जिधर बैटरी का दोनों पॉइंट हैं, ताकि हमारा वायर कम से कम लगे और बैटरी अच्छा से अच्छा बैकअप दे।
दोस्तों इसमें बैटरी की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ये बैटरी पुरानी पहले से रखी हुई है या घर में दो बैटरी पड़ी हुई हैं आपके, तो आप दोनों बैटरी यूज कर सकते हैं। जब चाहे तो एक बैटरी निकाल दीजिए जब डाउन हो जाए और दूसरी बैटरी उसमें लगा लीजिए। तो आप रबड़ का सिस्टम नीचे रखेंगे, जहाँ पर अपने तार से बैटरी बांधी है वहाँ रबड़ का इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस को खींच के निकालना पड़ेगा। तो ये तारों की हम अच्छे से इसमें टेप से लगा देते हैं। और ये देखिए हमने तार लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। तार जोड़ने में कुछ नहीं करना है। ये देखिए जो बटन के तार हैं दोनों तार, ये देखिए एक तार हमने प्लस में बांध दिया है बटन का, और ये माइनस वाला तार एक मोटर में डायरेक्ट जा रहा है। अब जो मोटर का एक तार बचा लाल वाला, उसको हम इस वाले जो बड़ा है दूसरी तरफ से स्विच से दो तार निकले थे तो उसमें हम बांध देंगे इस तरीके से। तो हमारा कनेक्शन हो गया, बिल्कुल सिंपल सा कनेक्शन है। एक तार, कोई भी तार आप एक डायरेक्ट बैटरी से मोटर कर दीजिए, और एक तार जो बचेगा उसको बैटरी से न लगा के आप स्विच के एक तार से लगा दीजिए और स्विच का दूसरा तार बैटरी में बांध दीजिए। बस हो गया कनेक्शन। तो ये देखिए मोटर हमारा चल रहा है पूरा अच्छे तरीके से। अब ये पाइप है, इसको हम अगर रखेंगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पाइप पूरा मुड़ जाता है यहाँ से, और अगर यहाँ पर ये प्लास्टिक का होता तो इसको हम अच्छे से मोटर को भी कस देते, लेकिन यहाँ पर कस नहीं पाएगा पेंच से, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, ये पाइप लूज है एकदम, तो ये मुड़ जाएगा। अब बारी है इसके ऊपर का हिस्सा बनाने की। तो चलिए इसके ऊपर का हिस्सा भी बना लेते हैं। वायरिंग पूरी कंप्लीट कर ली है, अभी थोड़ी सी वायरिंग बची हुई है जो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कैसे करना है चार्ज करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर मोटर का दूसरा हिस्सा है जहाँ से पानी रिलीज होगा बाहर निकलेगा। तो ये हत्था है इसका, इसको आप अलग अलग परचेज कर सकते हैं। जैसे किसी जो वेंडर होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, उनके पास क्या होता है मशीनें बहुत सारी लाते हैं तो कभी कभी ख़राब हो जाती हैं एक आधी मशीनें, तो उनके पास से ये सामान आसानी से अलग अलग आप खरीद सकते हैं, या उनके पास जो ख़राब पड़ी होती हैं मशीनें बेकार रहती हैं उनके पार्ट्स काम आ जाते हैं। तो इस पाइप में देखिए हमने वही पाइप लगाया है पुरानी मशीन का काट के मोटर में, लेकिन इसके ऊपर से हमको ये पाइप लगाना पड़ेगा क्योंकि इसको कनेक्शन करने के लिए हमारे पास कुछ जुगाड़ नहीं दिख रहा है। तो ये क्लिप हम आधा इंच के पाइप पे ऊपर लगाएंगे तो अच्छे से इसमें कसाव ले लेगा। और ये देखिए ये हत्थे का जो पाइप है, क्योंकि इसमें तो चूड़ी बनी होती है, वो इसमें सिस्टम है नहीं, तो इस पाइप को हम यहाँ पर थोड़ा दबा के कस देंगे और ऊपर से इसको लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम टेस्ट करते हैं मशीन का, इसमें पानी भर लेते हैं। पूरा हमारी मशीन कंप्लीट हो गई है। ये देखिए दोस्तों पानी भर लिया हमने, और अब बटन हमने दबा दी है। तो ये देखिए वो अभी ये थोड़ा लीक कर रहा है। यहाँ पर जो हत्था हमने लगाया है जहाँ से पाइप लगा हुआ है वहाँ से थोड़ा लीकेज हो रहा है, तो ये शायद अच्छे से कसा नहीं है, इसको हम कस लेंगे। लेकिन इसका देखिए फवारा बहुत अच्छा आ रहा है, प्रेशर बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखिए जो हमने बताया था आपको वायरिंग करने के लिए, तो ये वायरिंग है, इसको चार्ज करने का सिस्टम हमने इसमें बताया हुआ है। एक बैटरी में जो दो पॉइंट होते हैं, दोनों पॉइंट से आप एक एक तार मोटा थोड़ा लगाइएगा जो अच्छा वायर हो कॉपर का, और इसको सोलर, आपके पास अगर कोई भी सोलर पैनल रखा हुआ है तो उसमें आप लगा के चार्ज कर सकते हैं आराम से। अगर 50 वाट का या 100 वाट का कोई भी हो तो आप एक घंटे लगा देंगे बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, और जो भी उनके पास इस तरीके की मशीनें ख़राब पड़ी हैं वो आप रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत ही महंगी मशीनें मिल रही हैं।